गुड़िया। अरे सुनो सब लोग, कल का दिन बहुत शुभ है, सो मैंने ये तय किया है कि कल अपनी इस नन्ही सी परी की नामकरण विधि कर देंगे। अरे युवराज सुनो सुनो, देखो बेटा तुम इसके मामा हो, तो मैं ये चाहती हूँ कि इस नाते इसकी नामकरण विधि की पूजा की सारी जिम्मेदारी तुम संभालो। और वैसे भी नामकरण विधि में मामा मामी ही तो बैठते हैं। कल तुम ऑफिस मत जाना, कल का दिन अपनी भांजे के नाम कर देना। जी। अरे ये क्या मेरी जान, आज तो तुम साड़ियों और जेवरों की दुकान खोल कर बैठ गई, आखिर बात क्या है? आपने सुना नहीं रसीली भाई, पा ने क्या कहा, कल लक्ष्मी की बेटी के नामकरण की विधि में मामा और मामी बैठेंगे, बस उसकी ही तैयारियां कर रही हूँ। कल इस गरोड़िया परिवार वालों को पता चल जाएगा कि मेरी इस घर में क्या अहमियत है। हाँ मेरी जान, जब तुम युवराज की पत्नी के रूप में उस पूजा में बैठोगी तो सबको ये पता चल ही जाएगा कि इस गरोड़िया परिवार की लक्ष्मी तुम ही हो। हाँ रसीली भाई, मुझसे तो कल तक का इंतजार नहीं हो रहा है। कल सुबह पूजा में जब मैं युवराज के साथ उसकी पत्नी बनकर बैठूंगी, तब इन बहनों को मेरी ताकत का पता चल जाएगा। इन लोगों ने मुझे युवराज से अलग करने की और मुझे इस घर से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप देखना रसीली भाई, कल हार इनकी ही होगी। जरा जल्दी हाथ चलाओ, एक काम ठीक से नहीं होता। जरा सा काम बोलो तो नानी याद आ जाती है लोगों को। तुम ये देख रही हो यहां कितनी धूल पड़ी है, ये सुई की नोक भर की भी गंदगी नहीं चाहिए मुझे इस घर में। पैसों का काम होता नहीं, तुम लोगों से इतना सारा नुकसान कर दिया। खड़े खड़े मेरे मुंह क्या देख रही हो, साफ करो इसे। गौरी क्या कर रही हो, तुम्हें चोट लग जाएगी। अरे दीदी ये झाड़ू मुझे दीजिए, मैं साफ कर देती हूँ। कैसा शोर हो रहा है, बाप वो फूलदान टूट गया, तो मैं यही कह रही थी कि कांच बिखरे पड़े हैं, इसके नजदीक ना जाओ लग जाएगा, कहीं एक दो कांच यहां वहां रह गया और किसी को लग गया तो। वही साफ कर रही थी। बा आपको ज्यादा चलना फिरना नहीं चाहिए, डॉक्टर ने मना किया है ना। मैं तो कल के नामकरण की पूजा के बारे में पूछने आई थी, सारी तैयारियां तो हो गई ना।
हाँ बाप, सारी तैयारियां हो गई है, आप आराम कीजिए। सावित्री, बेटा एक तू है जो मेरा इतना ख्याल करती है, और एक मेरा बेटा सूर्यकांत। अरे ऐसा क्या काम में व्यस्त हो गया है कि एक बार फोन करके मुझसे बात तक नहीं की? लगता है उसे हमारी याद ही नहीं आती। आने दे उसे, ऐसे डांट लगाऊंगी ना उसे। अरे उसकी नातिन हुई है, एक बार उसका मुंह देखने तो आना चाहिए था उसे। सावित्री, उसने कोई खबर दी? कब तक वापस आ रहा है? बाप, वो उनका भी बहुत मन करता था घर वापस आने का, लेकिन उन्होंने कहा कि काम बहुत है ना, तो नहीं आ सकते। जैसे ही काम खत्म होगा वो आ जाएंगे। लेकिन बेटा, इस बार जब उसका फोन आया ना, तो मुझसे बात जरूर कराना। कितने दिन हो गए सूर्यकांत की आवाज नहीं सुनी। चलिए आराम कीजिए। चलिए। बच्चों, हमें राधा जी से मिलना है। वो वहां पर, राधा जी वहीं है। जी थैंक यू। चलो बच्चों, जी नमस्ते। 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 हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी पूछिए। आप इस जगह को कितने सालों से संभाल रहे हैं? जब से मैंने होश संभाला है। लेकिन आप कौन हैं? ये सब क्यों पूछ रहे हैं? अभी हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। आ जाओ। बच्चों, आप जो मैंने अभ्यास सिखाया उसे जारी रखो, ठीक है? मैं अभी आती हूँ। चलो। राधा जी, ये लोग कौन थे और क्या पूछताछ कर रहे थे? ये तो मैं भी नहीं जानती। कौन थे ये लोग? मुझसे पूछ रहे थे आप ये जगह कब से संभाल रही हैं? क्या? चलिए यजमान, अब हम नामकरण संस्कार की विधि का प्रारंभ करते हैं। आइए। चलिए। आओ बेटा। लक्ष्मी, बेटा ध्यान रहे इस दिए की लौ बच्ची न देखने पाए। हाँ लक्ष्मी, वो अशुभ होते हैं। वो मैंने हरा कपड़ा दिया था ना तुम्हें, उसमें बच्ची को अच्छी तरह से लपेट लो। इस पर बच्चे की जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय लिख दीजिए।
बच्ची का जन्म कृष्ण पक्ष में है। इसके अनुसार राशि का अक्षर स है। नाम स अक्षर से शुरू किया जाए तो बच्चे के लिए बहुत शुभ होगा। सुहानी, बहुत अच्छा नाम है बा। आप लोग सुहानी नाम से सहमत हो तो बच्ची का नामकरण कर दिया जाए। जी सुहानी वैसे नहीं गौरी, तुम सब मौसियां इस कपड़े को चारों कोनों से एक एक कोना पकड़ो, बच्ची को उसमें झुलाओ और फिर गाना गाते गाते उसका नाम रखो। लेकिन बा हम गाएंगे क्या? अरे तुम लोग पकड़ो तो सही, फिर मैं बताती हूँ। अब झुलाते हुए चार बार कहना है, ओड़ी जोड़ी राजपिपड़ा गांव बाए पाड़ू सुहानी नाम, ओड़ी जोड़ी राजपिपड़ा गांव बाए पाड़ू सुहानी नाम, ओड़ी जोड़ी राजपिपड़ा गांव बाए पाड़ू सुहानी नाम। आज से मेरी इस नन्ही सी परी को सब सुहानी कह के पुकारेंगे। बच्चे के मामा मामी हवन के लिए यहाँ आ जाएं। बच्ची की मामी भी आ जाएं। अरे नियति जाओ बेटा, पूजा के लिए युवराज के पास जाकर बैठो। युवराज, नियति, ये तुम्हारी भांजी के लिए खास पूजा है। युवराज, इसमें तुम्हें अपनी पत्नी के साथ गठबंधन बांध के बैठना होगा। लक्ष्मी, तुम्हारी बेटी के लिए पूजा है ना, उठो अपने भाई भाभी का गठबंधन बांधो।
मुदाना नमः स्वाहा, ओम व्याना नमः स्वाहा, ओम समाना नमः स्वाहा, ओम अपानाय नमः स्वाहा। युवराज की पत्नी मैं हूँ, नियति नहीं। नियति का तो तलाक हो चुका है युवराज के साथ, लेकिन फिर भी इन घरवालों की नजरों में नियति सब कुछ है। मैं कुछ नहीं हूँ, हर किसी काम में नियति को आगे कर देते हैं। सुहानी की नामकरण की पूजा में जहाँ मामा मामी को बैठना चाहिए था, वहाँ मेरी जगह पे वो नियति को बिठा दिया। नहीं रसीली भाई, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अगर मैं चाहूँ ना तो एक पल में धक्के मार के इन सबको घर से बाहर निकाल दो। शिवराज की पत्नी होने के बावजूद आज तक मुझे इस घर में वो दर्जा नहीं मिला। शांत हो जाओ मेरी जान, अपने आप को इतना परेशान मत करो। जो भी करना है, जो भी देखना है, बाद में करेंगे। तुम्हारी माँ से कहना हलवा बहुत शानदार है। जी राधा मौसी, आपको पता है मेरे बापूजी बता रहे थे कि हमारे गांव में बाहर से कुछ लोग आए हैं, वो हमारे गांव का आधुनिकरण करने के लिए आए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है भूमि। हाँ दीदी, आपको पता है हमारे गांव में वो बड़ी बड़ी सी इमारतें और शॉपिंग मॉल बनाने वाले हैं। अब तो हमारा गांव बिल्कुल शहरों जैसा हो जाएगा। रसीली भाई, आपने रात को बोला कि सो जाओ, लेकिन सारी रात मुझे नींद नहीं आई। सर इतना भारी हो गया ना, लग रहा फट जाएगा। मेरी जान, सरदर्द की गोली मंगवाऊं? अरे चुप कराओ इसे, सारा दिन सिर्फ रोती रहती है। नाश्ता मिलेगा? कितना वक्त हो गया है? ओ महारानी, इतना मटक मटक का क्या चल रही है? क्या बकवास नाश्ता है, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। भूल गई कि मुझे सुबह नाश्ते में ऑमलेट पसंद है? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मेरी माँ पर हाथ उठाने की? गौरी, हाथ छोड़ो उसका। गौरी, तुम जानती हो ना, तुमने इस तरह बदतमीजी से जिसका हाथ पकड़ा है वो तुम्हारे भाई की पत्नी है। तुम्हारी भाभी है। तुम्हें उससे इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। हाथ छोड़ो उसका। गरम गरम तेल।
जानवी, तूने श्री की याद दिला दी। श्री, ये कौन है राधा जी? वो नूपुर नृत्य केंद्र की एक शिष्या थी। नूपुर नृत्य केंद्र चलाने में उसने मेरी बड़ी मदद की। वो बिल्कुल तेरी तरह थी। नृत्य के लिए उसके दिल में भी रुचि है। वैसे मौसी जी, श्री है कहाँ आजकल? कुछ ही दिन हुए उसकी शादी हुई। ठहर बेटा, मैं उठाती हूँ। हेलो। हेलो राधा मौसी, मैं श्री बोल रही हूँ। श्री बेटा, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी तेरे ही बारे में बात कर रहे थे। तुम्हें पता है जानवी जो मेरे पास रहती है उससे मैं बता रही थी कि तुम मेरी कितनी सेवा करती थी। लो उससे बात करो। श्री। हेलो श्री, मैंने सुना है कि तुम्हारी अभी भी शादी हुई है। जी। मेरी तरफ से तुम्हारी आने वाली जिंदगी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और तुम्हारा नाम श्री है तो तुम्हारे आने वाली जिंदगी का हर पल शुभ ही शुभ होगा। हाँ ठीक कहा आपने। क्या हुआ श्री? तुम्हारी आवाज से ऐसा लग रहा है जैसे तुम थोड़ी परेशान हो। नहीं तो? जिंदगी में परेशानियां आती जाती रहती हैं। अगर हम उसे खुशी से हल कर ले तो फिर वो परेशानियां हमें ज्यादा परेशान नहीं करती। और अब तो तुम्हारे साथ तुम्हारे पति का प्यार और उनका साथ भी है। बस भगवान पर विश्वास रखो और मेरे यकीन मानो कि श्री की जिंदगी में सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। श्री तुम अपना ख्याल रखना और हमसे मिलने जरूर आना। जी मैं जरूर आऊंगी। रखती हूँ।